और अभी जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना, उसके लिए लाइक तो बनता ही है। कल हम सबने इधर बैठ के डिनर किया था लास्ट। यार टीपीसीआर भी करवा दिया और नहा धो के रेडी भी हो गए हैं। और ये है अपना छोटा सा रूम। कल तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो गया ना कि भाई क्यों आया हूँ उधर, क्योंकि ना अपने को कोई रूम मिल रही थी और ये सामान इधर से उधर लेके जाओ और अभी भी इसको बाहर निकालो। ये कर इधर हम रह रहे थे रमाड़ा में, उधर भी जाके आए थे लेकिन सारे रूम बुक थे, पूरा दिमाग खराब हो गया। और होटल भी नहीं मिल रही थी, लास्ट मोमेंट पे ये मिली और ये अच्छी खासी छोटी है। इधर से एंट्रेंस है और इधर ख़त्म भी हो जाती है। बस इतना सा ये रूम जिसको मैं एक फ्रेम में कवर कर सकता हूँ। इधर दो विंडोज़ है, एक एसी है, एसी हर कमरे में मिल जाता है इधर। और ये है वॉशरूम एरिया, शावर बेसिन और पीछे के साइड टॉयलेट है। अभी जो है यही है, क्या कर सकते, लेकिन अच्छा है। ये लोग ऐसे ही हो जाते हैं। ये चीज मेरे को बुलबुले लगती है क्योंकि एग्जिट एंट्री इधर से और इधर घूम 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 के पता नहीं घूम जाए। ये जगह अपने को एकदम सही लगती है, इधर बैठ के मस्त खाना खा सकते हैं। इस दोनों तरफ लिफ्ट, ये वाला पोर्शन है ना वो सिर्फ होटल वाले, सेकंड फ्लोर से लेके ऊपर तक इसका है। इधर चाइनीज घर है, पता नहीं चला यार सब कुछ मिक्स। फ्लोर का गेट खोलने के लिए एक पिन डालना पड़ता है। नाउ आई कैन रूम में एंटर करने के लिए भी पिन ही डालना पड़ता है। अभी तो इसलिए आया था क्योंकि मैं मास्क पहन गया था। अभी मैं बाहर चक्कर लगाने तो जाऊंगा, खाना भी खा लूंगा और निकलने तो कैश भी निकालूंगा सबसे पहले, क्योंकि कल मेरे को टैक्सी में लगेंगे। अभी के लिए सिर्फ 700 हांगकॉन्ग डॉलर से निकाला है क्योंकि कल टैक्सी में लगेंगे और अभी कुछ घूमने फिरने का लगेगा और कुछ सामान लगेगा। नॉर्थ पॉइंट से एडमिनिस्ट्रेशन तक ब्लू लाइन लेके आए थे, अभी रेड लाइन में अपने को शिमशास में जाना। D1 एग्जिट लेके डायरेक्ट अपन निकल गए चंकी। अभी इधर अपना वही डोसा खाएंगे। पेट भर गया अन्ना ने डोसा, स्पेशली कोकोनट चटनी इतनी मस्त बनाई थी ना, मेरे को अभी सोने का मन कर रहा है। पहले सोचा था कुछ अच्छा खासा चक्कर लगाऊंगा लेकिन अभी एक छोटा सा चक्कर लगा चला। ये वही वाली जगह है दो तीन दिन पहले के बाद। आज भी काले बादल बहुत सारे हैं, जब कल हम इधर से वापस निकल रहे थे तब अच्छी खासी बारिश हुई थी। दो तीन दिन बारिश ना हो तो ही अच्छा है। अभी जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना, उसके लिए लाइक तो बनता ही है।
इट्स 5:20 राइट नाउ और लास्ट 20 टू 30 मिनट से बस ऐसे ही बैठा हूँ क्योंकि मेरे को मजा आ रही है। और थोड़ी देर पहले मैं जब इधर से मैं इंस्टा स्टोरी ले रहा था पूरा खाली था, इधर आते आते मेरे को लगा कि मेरा शॉट बिगड़ गया क्योंकि दो बंदे इधर जा रहे थे, लेकिन वो ऐसे इधर कोने में ऐसे ऐसे झुक झुक के खड़े रहे, अपना शॉट एकदम परफेक्ट आ गया। ऐसे जब लोग आते हैं ना तो ऐसे मजा आ जाती है। और अभी क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी छींटे गिरना शुरू हो गई है। जब दूसरा दिन था ना तो तब उधर से बैठ के हमने वो शो देखा, ये इधर से तो अभी एक बार आगे चक्कर लगाऊंगा फिर वापस चलते क्योंकि बारिश हो ऐसा लग रहा है अभी। और ये वाला जो चलने वाला है ना वो ऐसे पूरा बेबी वाला बना है, ऐसे पूरी फील दे रहे हैं भाई। मैं अकेला आया हूँ लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा मुझे अकेले घूमने वाली फीलिंग्स भी आ रही है। थोड़े ज़्यादा गिर रहे हैं और वैसे भी थोड़ा लेट हो गया तो पब्बे पर वापस चले गए क्योंकि वैसे भी थोड़ा बहुत खाने वाला सामान लेना है। गलती से थोड़ा आगे निकल गए फिर से पूरा घूम कर जाना। अपने को जाना है सेंट्रल लाइन की तरफ, उसके बाद अपने को जाना है चांद वन लाइन की तरफ। चांद वन लाइन से अपने को नॉर्थ वन टू उतर जाना है। पूरी एनर्जी खत्म हो गई भाई, मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ थी ना मत पूछो भाई। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि ऐसे घूमते हो ना तो थकान नहीं लगती, मेट्रो से उधर चलो लाइन चेंज करो उसमें ज्यादा थकान लग जाती है। और मेरे को जो सामान लेके आना था वो भी मैंने लेके आया, इतना थक गया था। और ये भी ऐसी काम नहीं करा, क्यों भाई क्यों? ऊपर सारा लगेज सेट हो गया फिर प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो थोड़ा बहुत मैनेज कर दिया है बाकी की शॉपिंग, वैसे तो जितना सामान है उसको सेट कर दिया था, लेकिन अभी मेन टास्क ये है कि जो मैं लाऊंगा उसको भी सेट कर। और लगता है बारिश गिर ही रही है, एक्चुअली छींटे भी आ रहे हैं अभी। वेलकम तो आ तो गया पूरा छान भी मारा, लेकिन मेरे को जो जूस चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो अपना जूस किधर से मिला था, मतलब वेलकम स्टोर जूस में जो चाहिए वो वाला खत्म हो। ठीक है कोई बात नहीं, आगे देख लूंगा या तो फिर कल सुबह ले लूंगा, तब तक के लिए दूसरी चीजें ढूंढ लेता हूँ। सही टाइम पे मिल गया, बंद ही कर रहा था भाई। चलो अभी पीने के लिए ये भी मिल गया और मेरी रिपोर्ट भी एकदम सही टाइम पे आई 9:30 बजे, क्योंकि मैंने रिसेप्शन पे पूछा था उसने बोले 10 बजे के बाद हम प्रिंट नहीं निकाल सकेंगे। और मेरे को चाहिए थी कलर प्रिंट, कलर प्रिंट के अलावा मैं आगे नहीं जा सकता, कब से इसी बात का टेंशन था। थैंक यू। कट टाइम पे आएंगे, अगर नहीं आई होती तो मैं प्रिंट वाला ढूंढना पड़ता। अभी पहले इसको ऊपर रखूंगा, उसके बाद मेरा खाना बनूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे को जल्दी सोना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को शनि जाना है, उसके बाद मेरे को चाइना जाना है, और उसके बाद मेरे को क्वारंटीन होना पड़ेगा। बहुत मदद लगी यार, मेरा दूध मैं नीचे ही भूल के आया, हर एक बार कुछ ना कुछ चीज भूल जाता हूँ, उसको फिर से लेने जाना है। दूध तो सुबह और रात में पीने के लिए दे दिया, बाकी का सामान मैं कल सुबह ही लाऊंगा क्योंकि जूस भी नहीं था, तो जूस के साथ साथ ही बाकी का सामान लेके आऊंगा। हर बार अलग लेके आऊंगा। बहुत ही मस्त पानी की छोटी छोटी बूंदे गिर रही, मजा आ रहा है। इधर 9:30 बजे तक सब चीजें बंद हो जाती है, इवन सब्वे भी 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा हुआ मेरे को रास्ता मालूम नहीं था इसलिए मैंने मैप पे डाला और मेरे को लिखा हुआ है क्लोज, वरना मैं पूरे तक चले जाता। एक्चुअली बहुत दूर है, वॉक करते करते थक जाते हैं। अच्छे
रास्ते में आते आते मेरे को ये वाला रोल मिल गया, रोल मिल गया मेरे को, जो सामान चाहिए था वो भी मिल गया। लेकिन सामान लेने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मैं तो पर्स लेके आया ही नहीं हूँ, बिना पैसों के तो वो मेरे को देंगे नहीं, तो अभी मैं फिर से वापस जा रहा हूँ।